नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कई सालों बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल को कांग्रेस से देपालपुर विधानसभा का प्रभारी बनने के बाद अब कांग्रेस में जाना गई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसको लेकर कांग्रेस बूथ स्तर पर डोर टू डोर जाकर प्रदेश में 20 वर्षों से काबिज भाजपा की सरकार और देश में 10 वर्षों से काबिज भाजपा की सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, उन वादों की वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रदर्शन कर जनता और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार 6 अप्रैल 2024 को शाम 4 बजे देपालपुर नगर के विजय स्तंभ चौक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम आम सभा को संबोधित करेंगे। सभा की जगह चयन और भोजन स्थल चयन और अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, विधानसभा प्रभारी मोती सिंह पटेल, राधेश्याम पटेल, कृपाराम सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश बड़वाया, मोहन चौधरी, नरेंद्र मकवाना, मजीद खान, पावन जाट, जगदीश भावसार, देवकरण गुर्जर, वीरेंद्र सेठिया, रघुनाथ सिंह मौर्य, भगत मंडलोई, मिथिलेश जोशी, मोहन पटेल, रामचरण दयाल, यशवंत अंजना, निराला डागर की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। चुनाव शुरू हो गए हैं और 6 अप्रैल को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी यहाँ सभा लेने आ रहे हैं। साथ में हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय कांति बम और हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने आज हमने यहाँ सभा स्थल का निरीक्षण किया, कहाँ पर उचित स्थान रहेगा और माननीय जीतू पटवारी जी की एक भव्य सभा कराना है। क्योंकि एक तरफ प्रदेश में बीजेपी की लगभग 20 सालों से प्रदेश में सरकार है और 10 वर्षों से केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी हर वर्ग, किसान, हरिजन, आदिवासी, दलित, महिला, युवा, बेरोजगार, व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। और इस लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस इंदौर में परचम लहराएगी तो देपालपुर में भी एक भव्य सभा उनकी होने जा रही है। आम जन में उत्साह है, किसान भाइयों में उत्साह है। किस प्रकार से अभी पिछले गत दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वादा किया गया था कि हम आपके 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ खरीदेंगे, माता बहनों से वादा किया गया था कि हम आपको 3000 रुपये प्रति माह देंगे, युवाओं से वादा किया गया था हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार की तमाम वादे पे ये सरकार विफल रही है। और आपको 6 तारीख के दिन देखने को मिलेगा कि हजारों की संख्या में देपालपुर क्षेत्र के आम जन, किसान, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ उपस्थित होगा और एक भव्य यहाँ पे आम सभा होगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।